भारतीय खेल प्राधिकरण में तीरंदाजी के साथ रिक्त पदों में से चार पर अकेले जनपद के ही खिलाड़ियों ने स्थान पाने में सफलता हासिल की है। वहीं जिला तीरंदाजी संघ के निर्देशन में संचालित मथुरा आर्चरी एकेडमी के इन खिलाड़ियों की सफलता के बाद संघ और एकेडमी के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है। यहां एक साथ चार तीरंदाजों ने चयनित होकर जनपद और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इनमें से अड़िंग के कंचनपुर में संचालित मथुरा आर्चरी एकेडमी के खिलाड़ियों ने भी प्रतिभा किया था, जिसमें जनपद के चार तीरंदाज खिलाड़ी हरिशंकर, कोमल, तरुणदीप यादव और विवेक सिंह ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस दौरान एकेडमी के प्रशिक्षक और चारों तीरंदाजों के कोच योगेंद्र सिंह राणा ने बताया कि ये चारों खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर MGSI प्रतियोगिताओं में खेल चुके हैं। वहीं जनपद के लिए विभिन्न प्रादेशिक प्रतियोगिताओं में तमाम पदक जीत चुके हैं, जहां चयन होने के बाद अब चारों तीरंदाज भारतीय खेल प्राधिकरण की सभी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकेंगे। वहीं एकेडमी ने विश्वास जताया कि खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे। अब इन्हीं खिलाड़ियों को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली तमाम सहायता और सहूलियतें भी मिल सकेंगी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह राणा। हाँ जी, अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि आपके एकेडमी से चार बच्चों का चयन हुआ है। हाँ, कुछ क्या प्रतियोगिता हुई थी और क्या कुछ करना था? ये उत्तर प्रदेश तीरंदाजी का जो सेंटर है, साई सेंटर, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जो सेंटर बनाए जाते हैं भारत में, तो उत्तर प्रदेश का तीरंदाजी का एकमात्र सेंटर है मेरठ में। तो वहाँ पर 7 स्थानों के लिए आवेदन मंगाए गए थे खिलाड़ियों के। खिलाड़ियों ने वहाँ पे जाके मेरठ में ट्रायल दिया था, तो उसमें अपने मथुरा ज़िले से मथुरा आर्चरी एकेडमी के जो ये तीरंदाज खिलाड़ी हैं, इन्होंने वहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल दिया था। तो 7 में से 4 स्थानों पर यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अब आगे से ये भारतीय सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, किट दी जाती है वार्षिक रूप से, वो सारी चीज़ें इनको उपलब्ध होंगी और साई के टूर्नामेंट में भी इनका खेलने का अधिकार इनको मिल जाएगा। और जिन्हें सिलेक्शन हुआ है बच्चों के लिए, और क्या कुछ इनके लिए कहना, संदेश देना चाहोगे और उनके लिए क्या कहना चाहोगे? इनका मैं तो यही कहूँगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इन्होंने 3 साल के अंदर जो प्रोग्रेस दिखाई है, अभी सभी ये चारों नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल SGFI उत्तर प्रदेश की तरफ से खेल चुके हैं और उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ओपन आर्चरी एसोसिएशन की जो होती हैं, उनमें भी ये मेडलिस्ट हैं सभी, और इनमें कई गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो जिन्होंने अपने लिए स्टेट के लिए SGFI में खेलने के लिए UP में स्टेट में गोल्ड मेडल जीता था। अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इस घटना से ये जो इनका सिलेक्शन हुआ है, इनसे इनको उत्साह मिलेगा और आगे ये और इनको अच्छी प्रैक्टिस करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरी कोशिश है कि ये जल्दी से जल्दी नेशनल लेवल पे उत्तर प्रदेश के लिए कोई मेडल जीते। जी, कोमल सिंह। कोमल, अभी हाल ही में जो मेरे बताया जा रहा है, आप 4 बच्चों का आपका चयन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार आप मेहनत करते हैं? सर, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने मेरठ में जो साई सेंटर में ट्रायल दिया है, उससे ट्रायल देने के बाद जो हमें हमारे स्थान आए हैं, उसमें हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे गुरु श्री योगेंद्र सिंह राणा जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें इस तरीके की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिया, हमें उसके लिए तैयार किया और हम आज उन स्थानों को प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इसके लिए, इस प्रतियोगिता के लिए खड़ा किया। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। आगे कहाँ तक आपका जाने का इरादा है? सर, आगे हमारा इस तीरंदाजी के रास्ते से हम ओलंपिक तक गोल्ड मेडल की अपनी कल्पना को आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएंगे। हम उस तरीके की प्रिपेयरिंग आज हम इस ग्राउंड में अपने गुरु के साथ कर रहे हैं।